गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। देखिए थर्ड क्लास कैसे हैं आप सभी। पढ़ाई स्टार्ट कर ली आप लोगों ने? नहीं की तो कर लीजिए। ठीक है, आज देखिए इसमें थर्ड वाले में क्या करना है। इसमें देखिए इसमें कैसे बनाना है, मैंने आपको उस दिन ही बता दिया था कि मात्रा लगाकर नाम पूरे कीजिए, आसपास वाले चित्रों की सहायता कीजिए। तो कैसे, ये जैसे किताब लिखी है तो इसमें जो हमारे शब्द जो लिखे गलत लिखे, त क ब, तो मात्रा लगा के हमको इसको पूरा कर लिया। तो मैं नंबर डाल डाल के आपको बता दूंगी भाई, फर्स्ट नंबर पे हमारा क्या है, जैसे कि ये त क ब, ठीक है, क्या हो गया की ता ब, ओके। फिर सेकंड में देखिए ल त त त ती त ली, ठीक है, तितली। फिर थर्ड पे क ड ल, ढो ल क। आप नेक्स्ट वाले फोर्थ वाले पे ऊपर वाले पे र श त, तो क्या हो जाएगा ये सी ता र, फाइव र म ग, क्या हो गया मु गी, ऐसे मुर्गी ऐसे, ठीक है। फिर य ड क, क्या हो गया डा की या, इस तरीके से लिखना है तो आप प्लीज लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर इसमें दे रखा है कि नीचे दिए वर्णों में मात्रा लगाकर शब्द बनाइए, कुछ वर्णों में एक ही मात्रा लगाकर तथा कुछ वर्णों में आ की मात्रा लगाकर शब्द लगाकर बनाइए। जैसे कि वर्ण ए की मात्रा आ की मात्रा लगाकर बने शब्द सेव और सारा। तो इसमें कैसे बनाना है, तो इनमें मात्रा लगाएंगे और मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इस पे ही बता देती हूँ, इरेज नहीं करती। देखिए ये अलग है,
ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 12। आंसर टर्म ओके। अब ये वाला जो आंसर है ठीक है, तो इसमें देखो लगा कर बड़े शब्द, ऐसे ही एक ही मात्रा ये हो गए। अब इसमें कैसे बनाना है, जैसे कि एक ही मात्रा में हमने लिखा सेब ठीक है, एग्जाम्पल सारा, फिर सेब और ऐसे ही तेल और नील, फिर नाल, बेद, बेद और बात, मेर, मेरा, मेरा। केला, काल, ये हो गए किस तरीके से। सो आप अपनी बुक में कर लीजिएगा जैसे भी मैंने आपको भी बताए हैं बोर्ड पे, देख लीजिए ठीक है। फिर उसके बाद जी कहते हैं मात्रा वाले शब्द लिखिए, आ की मात्रा के दो लिखने हैं, ए की मात्रा के दो लिखने हैं, बड़ी की मात्रा के लिखने हैं, ऊ की, बड़े ऊ की, ए की, ये हमको कर रहे हैं, ये करवा के फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। उसके लिए क्या करना है, मुझे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा सा इसमें से, थोड़ा सा तभी तो आपको समझ में आएगा। इसको भी रिलीज कर देती हूँ।
सारे शब्द। ये मात्रा हमारी किसकी है? आपकी। फिर ई की, ये बड़ी ई की। ऊ की, ये छोटे बड़े ऊ की। ए की, ठीक है। अब इसमें से कैसे करना है अपने को? इसमें आगे में आम, अनार, ठीक है, किरण, किताब, फिर हरी, भरी, पुल, चून, फिर बड़े की मात्रा अमरूद, ये बड़े की मात्रा देखिए क्या होगी, ठीक है। और ये इसकी है, और भालू एक ही, केला, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपना हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब आगे जो पढ़ेंगे तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा ये कंप्लीट हो गया है ना, इसमें दो चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो अब हम व्याकरण को क्या करेंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद में हिंदी लीडर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए नीचे क्या दे रखा है, स्वरों की 11 मात्राएं लगाकर व्यंजन से शब्द की रचना कर कक्षा में शिक्षक को दिखाएं। तो आप अपने आप से कर लीजिए इसको, भाई स्वरों की जो मात्र 11 मात्रा लगाकर व्यंजनों से शब्द की रचना कक्षा में करें और फिर शिक्षक को दिखाएं। तो आप लोग कर लीजिएगा और करने के बाद में दिखा दीजिएगा। पर्यावरण पर आधारित एक पोस्टर बनाकर कक्षा में लगाएं। आपको पर्यावरण पर एक पोस्टर बनाना है और आपको क्लास में लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट सेकंड चैप्टर। उसके बाद में अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा। क्या संज्ञा पढ़ेंगे? संज्ञा में ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।